दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। राजेश सतपुते और अमित सेठ पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। उसके अलावा रचना वैद्य को जोड़ेंगे, निर्मल पांग से विकास सालुंके भी जुड़ेंगे, नतीजों पर बातचीत करेंगे आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार से। इसके अलावा सुमित लेकर आएंगे हमारा एक खास सेगमेंट जो अब बस दो दिन हम और इसको कंटिन्यू करेंगे ऑब्वियसली, जो श्रीराम मंदिर के साथ एक स्पेशल कनेक्शन स्टॉक का उसकी बातचीत होगी। और उसके अलावा सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में, लेकिन पहले बात करते हैं एक ज़रा मार्केट की। और मार्केट में इस समय हायर लेवल से थोड़ा स्लिप, लेकिन फिर लोअर लेवल पर थोड़ी सी बाइंग। मिड कैप इंडेक्स में रिकॉर्ड हाई, और उसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। कोटक में एक बाइंग आई अभी नंबर से जस्ट पहले। भारतीय एयरटेल में न्यू ऑल टाइम हाई। अपोलो हॉस्पिटल्स, एनटीपीसी, टाइटन, आईटीसी, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको वीरू दिखाई देगा बाइंग मोमेंटम। और ऑब्वियसली पीएसयूज में तो खैर अच्छा खासा मोमेंटम है ही वीरू। जी हाँ, पीएसयूज में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। आइए हमारे पैनल से आपकी मुलाकात कराते हैं। पैनल स्क्रीन पे है और स्क्रीन पे मौजूद हैं पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए राजेश सतपुते जी, अमित सेठ जी, रचना वैद्य और विकास आरोके हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्विक्शन आइडियाज मैम। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो पहला कन्विक्शन आइडिया रहेगा दैट विल बी अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर्स। और यहाँ पे हम 6136 पे है, मेरे हिसाब से हम बहुत जल्दी यहाँ पे 6150 और 70 की तरफ जाने चाहिए। और डाउनसाइड पे जब तक हम 6110 के ऊपर रहते हैं तब तक ये चीज हमें शायद इंट्राडे में ही प्ले आउट होती हुई नजर आए। पोजिशनली अगर देखा जाए तो ये 6200 की तरफ जाता हुआ हमें विद इन अ फ्यू डेज नजर आना चाहिए। एंड दूसरा जो मेरा कॉल रहेगा दैट वुड बी एन अटेम्प्ट इन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में जो भी हो रिजल्ट वगैरह, जो भी एक्सीडेंट होना था वो काफी स्ट्रांगली हुआ और उसके बाद आज जरा सा सपोर्ट लेता हुआ ये काउंटर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर पिछले एक दिन से पहले का जो लो है वो अगर सस्टेन कर गया, 1470 के आसपास का सपोर्ट अगर सस्टेन कर गया तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट दिखना चाहिए जो इस काउंटर को दोबारा से फ्यूचर्स पे 1500 और 1500 के ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा शायद। ओके चलिए, तो ये समय रचना जी की पिक्स अपोलो हॉस्पिटल्स आज अभी भी मोमेंटम में और एचडीएफसी बैंक में इनको लग रहा है कि अब शायद एक बॉटम बन चुका है। विकास सालुंके के पास चलते हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके पिक्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो दोनों भी मेरे पिक बाय साइड के रहेंगे। पहला रहेगा अरुंद फार्मा। और फार्मा में यहाँ पे एक हमने देखा था कि कल जाते जाते अच्छा यहाँ पे बिल्टअप देखने मिला था और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव यहाँ पे देखने मिले थे। 1140 का ब्रेकआउट था, आज भी उसी ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 1220-1230 के टारगेट के लिए ऑरो फार्मा यहाँ पे बाय करना है। नीचे में स्टॉप लॉस जो आ रहा है 1120 का, तो 1120 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे अरुंद फार्मा बाय करना है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा कॉनकॉर। कॉनकॉर में भी हमने देखा है कि लास्ट दो दिन पहले एक नीचे में 100 DMA में 50 DMA का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेके वहां से एक पुल बैक रैली कंटिन्यू करते हुए देखने मिला और आज भी 870 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 860 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे कॉनकॉर को बाय करना है। 900 के आसपास के टारगेट यहाँ पे भी आते हुए देखने मिले। ओके ये आपके दो ट्रेड्स हो गए। और राजेश जी आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? वीरेन जी मैं बाय और सेल के साथ जाऊंगा। तो देखिए हमने बात की थी कोलगेट की, आई वाज वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट मुझे लगता है कैश में क्लियर ब्रेकआउट आया है। तो कोलगेट बाय करेंगे, 2525 के ऊपर बाय करेंगे तो 2500 का स्टॉप लॉस होगा और 2580 और 2600 ये कोलगेट का टारगेट होगा। एट द सेम टाइम जो वीकनेस भी देखिए कहीं कहीं पे वीकनेस भी अच्छी खासी आ रही है। तो मेरी नजर है इस पे अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक पे, अगर आप ओवरऑल बैंकिंग देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, उछाल पे बिक रहा है और कल यहाँ पे एक रिवर्सल है। मुझे लगता है इंडसइंड बैंक का आज का टारगेट होगा 1500 का, 1550 के नीचे बेचे, 1565 का स्टॉप लॉस रखे। ओके चलिए, तो ये इस समय इंडसइंड बैंक पर एक सेल कॉल, कल भी गिरा था ये स्टॉक नंबर्स के बाद। अमित सेठ के पास चलते हैं अब। अमित जी आपके पिक्स क्या होंगे इस समय की? जी अनु जी मेरा पहला पिक रहेगा एनटीपीसी। काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, एक यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड हमें अच्छा मिल रहा है। स्टॉक में एक पुल बैक दिया और वापस अपने 10 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो दैट सिग्नल रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड। 313 का इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 308 का और टारगेट्स रहेंगे 323 रुपए के। सेकेंड स्टॉक मेरा रहेगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट एट डेज हाई है
इसने अपने सारे 1100 के कॉल राइटर्स को ट्रैप किया और दैट वाज द हाईएस्ट कॉल राइटिंग जोन, और उसके बाद कंटिन्यूअसली एक 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम यहाँ पे बना रहेगा टेक्निकली। 1131 का इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस रखेंगे 1114 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1160 रुपए के। ओके चलिए, अब ये समय की ट्रेड्स, अब एक काम करते हैं, थोड़ा ट्रेड्स को विराम देते हैं, वापस आएंगे ट्रेड्स पर, लेकिन अब बात करते हैं मैनेजमेंट से। तीसरी तिमाही में आरबीएल बैंक के मुनाफे में 11% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये आंकड़े अनुमान से थोड़े कम है। बैंक की ब्याज से कमाई करीब 35% बढ़ी है, हालांकि नए एनपीए में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नतीजों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्य कुमार। मिस्टर सुब्रमण्य कुमार, गुड मॉर्निंग। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके ये नंबर्स हैं, इसमें थोड़ा एसेट क्वालिटी में मार्केट को कंसर्न है स्लिपेजेस को लेकर, ये कहाँ से आई इंक्रीज और क्या यहाँ पर आगे आउटलुक रहेगा? गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। एसेट क्वालिटी के बारे में कोई चिंता नहीं करने का है, पर सिंपल रीजन क्यों है, हमारा पास हमारा टोटल अब देखेंगे तो सिर्फ देयर आर दो एरिया में थोड़ा फ्लिप हुआ है। ब्लिप ब्लिप मतलब आपका कार्ड एंड माइक्रो फाइनेंस में बिकॉज ऑफ द रिकवरी थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि सम स्टेट्स वेयर हमारा एक्सपोजर था उधर सब इलेक्शन चल रहा था, हम लोगों ने दो विचार लिया था उसके ऊपर। एक जिसमें प्रूडेंशियली एज अ प्रूडेंट मेजर लेट अस बी गो स्लो एज फार एज द ग्रोथ इज कंसर्न, इसलिए तो आप देखा होगा हमारा माइक्रो फाइनेंस का फ्लैटिश था हमारा ग्रोथ। एंड इसे दूसरा है हमारा रिकवरी थोड़ा कम हुआ था इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर विच रिफ्लेक्टेड इन अ लिटिल स्लिपेज हायर, वेरी वेरी मार्जिनली वी स्लिपेज इज देयर। हाउएवर यू वुड हैव सीन माय क्रेडिट कॉस्ट हैज नॉट गॉन बियॉन्ड द रेंज विच वी हैव गाइडेड, दैट इज 1.5 to 2%, इट इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 1.6 to 1.7%, सो वी आर वेल विद इन द रेंज एज फार द क्रेडिट कॉस्ट इज कंसर्न। दूसरा है आपका अश्योरेंस यही देना चाहता हूँ, हमारा रिकवरी अभी हमारा गाइडेंस के ऊपर आ चुका है, मतलब इन द मंथ ऑफ दिसंबर अवर रिकवरी और कलेक्शन एफिशिएंसी इज बैक टू इज 99.41%, पहले वो था अराउंड 99.1 और 99% में था एंड नाउ इट हैज बाउंस बैक टू 99.41%, इसी वजह से आपके आगे से कोई स्लिपेज का मैनेज हो चुका है, देयर विल नॉट बी एनी सरप्राइजेस एनीमोर एंड इट इज अ वेरी स्मॉल, इट इज नॉट अ ओवरवेल्म्ड स्लिपेज, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल स्लिपेज। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हियर इज अवर रिकवरी फ्रॉम टेक्निकल रिटन ऑफ अकाउंट एंड रिकवरी फ्रॉम एनपीए अकाउंट इज ऑल्सो गोइंग हायर, दैट मीन्स हमारा एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम फुल्ली प्रोवाइडेड अकाउंट हैज ऑल्सो गॉन अप, इसी वजह से वी विल बी एबल टू शो ए बेटर रिकवरीज विच विल रिड्यूस अवर नेट एनपीए फर्दर इन दीज टू सेगमेंट्स। अच्छा, क्योंकि आपने ये जो कलेक्शन एफिशिएंसीज और रिकवरीज पे काफी फोकस किया सर, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल और माइट बी, अगर मैं आपको एक क्वार्टर का वक्त और दूं, आई मीन बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फिस्कल, ये जो आपका ग्रॉस एनपीएस है वो किस ट्रेजेक्टरी में आ सकते हैं सर? हमारा ग्रॉस एनपीए 3.12 रेंज में था, वी विल बी मेंटेनिंग इट इन द सेम रेंज ओनली, एट द मैक्सिमम देयर विल बी सम स्मॉल परसेंटेज, आई मीन देयर विल बी स्मॉल 1 or 2 बिप्स का इधर उधर हो सकता है, बट वी विल बी एबल टू मेंटेन इट इन द सेम एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय एंड ऑफ दिस एनुअल वी विल बी एबल टू ब्रिंग डाउन द जीएनपीए आल्सो। अच्छा सर, अब बात करते हैं एनआईएम्स को लेकर, जो डिपॉजिट्स को लेकर इस वक्त बैंकों के बीच में कंपेटिटिव एनवायरमेंट है, अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी यहाँ से जो डिपॉजिट्स हैं उनको मोबिलाइज करना और कितना बड़ा चैलेंज होगा, वहाँ पे कॉस्ट और कितनी बढ़ सकती है, और आपकी ये जो इस बात बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अभी डिपॉजिट्स पे प्रेशर रहेगा, कॉस्ट प्रेशर्स रहेंगे, एनआईएम्स की ट्रेजेक्ट्री कंफर्टेबल यही रहेगी आपकी या फिर इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स में? ये क्वेश्चन का हम दो पार्ट में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज विद रिगार्ड टू दैट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, नो डाउट द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इवन हमारा बैलेंस शीट ऑल्सो सॉ ए 10 बिप्स इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, हाउएवर आई वुड लाइक टू से अबाउट इट गोइंग फॉरवर्ड देर मे बी अ स्मॉल करेक्शन इन द डिपॉजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रेश अक्रूवल ऑफ द डिपॉजिट विल बी एट द हायर रेट, सो नेचुरली देर विल बी सम फ्यू बिप्स ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, बट दिस विल बी एडिक्वेटली कॉम्पनसेटेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द निम
because we are confident that our growth of microfinance and other, which was just on a flattish in earlier, will again come back, and which will add up to that whatever the extra cost we incur on the deposit. So we will be able to more or less maintain the same range of the NIM as it is today. That's one. The second, coming to our ability to raise the deposit, deposit kaisa मोबिलाइज कर सकते हैं, इधर आपको दो तीन बात में मैं आंसर करना चाहता हूं। पहले हमारा 538 ब्रांचेस में रिटेल डिपॉजिट का फोकस जबरदस्त चल रहा है। आपका आप देखा होगा इन Q3 आल्सो हमारा डिपॉजिट रिटेल डिपॉजिट लेस देन 2 करोड़ का ग्रोथ है, 23% है। एंड वी हैव सेड वेरी क्लियरली हमारा इंक्रीमेंटल एडवांस ग्रोथ विल बी मेट बाय द इंक्रीमेंटल रिटेल डिपॉजिट। हम लोगों ने अभी तक उसको अचीव करने का तरीका से चल रहा है, हम कॉन्फिडेंट भी है ये अचीव हो जाएगा। सेकेंड चीज, हमारा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ओवरऑल देर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन विल डिसाइड अबाउट इट, वेर एस हमारा 0.4 to 0.5% ऑफ द शेयर इन विद इन दैट मार्केट शेयर वी विल बी एबल टू मोबिलाइज सफिशियंट एनफ डिपॉजिट टू ग्रोथ। सेकेंड, we have a subsidiary, इनके पास 800 branches में identify किया है हम लोगों ने, अभी तक इन area में हम deposit mobilize करने का कोई विचार नहीं किया था। अभी now we have launched a digital mobilization for savings account and digital sourcing for term deposit, वो दोनों ये 800 branches में लागू करेंगे। वो करने के बाद with a liability desk उन लोगों ने हमारा, बिकॉज बी सी इज परमिटेड टू सोर्स एंड ही इज अ सब्सिडियरी ऑफ 100% विद अस, दे विल बी सोर्सिंग इज डायरेक्टली इनटू द बैंक। दिस मान लीजिए ईच ब्रांच इज गेटिंग 10 लाख पर मंथ, बाय एंड ऑफ द ईयर 4% ऑफ द ग्रोथ कैन कम फ्रॉम दिस सेटअप अलोन। इसलिए मोबिलाइजेशन के वजह से वी हैव अ वेरी क्लियर प्लान एंड हम लोग कॉन्फिडेंट भी है ये हम लोग अचीव करेंगे। ओके, अच्छा एक मेरी तरफ से आखिरी सवाल, ये थोड़ा नंबर से हटकर है। पिछले महीने जो RBI के नॉमिनी डायरेक्टर थे उनका टर्म पूरा हुआ था और वो एक्सटेंड नहीं हुआ था, तो क्या एक तरीके से अब RBI का फुल कॉन्फिडेंस है करंट बोर्ड में, ये माना जाए? आपने आपने वो कंक्लूजन कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। आई विल जस्ट स्टेट ओनली वन स्टेटमेंट एंड द टर्म वाज कंप्लीटेड फॉर RBI डायरेक्टर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डायरेक्टर ही वाज नॉट रीनॉमिनेटेड, इट स्टॉप्स देयर। उसके आगे तो आई जस्ट लीव इट यू फॉर योर ओन कंक्लूजन। ओके, चलिए, खैर मार्केट ने तो यही अज्यूम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अच्छा एक आखिरी सवाल, एक्चुअली यहाँ से आपको आगे जाते हुए क्रेडिट ग्रोथ और NIMs वगैरह की ट्रेजेक्ट्री क्या, जो RBL बैंक के ग्लोरी डेज थे 5-6 साल पहले के, वहाँ तक वापस जाते हुए दिखते हैं? एज फार एज क्रेडिट ग्रोथ इज कंसर्न, हम लोगों ने वेरी क्लियर गाइडेंस दिया है अप टू 2026 we will be growing credit at the range of 20% and 20% plus will be there for next 2 years. Within that amara retail to grow hoga 25 plus and within that there will be secured will growing at 30%. So this is the growth plan as far as advance growth is concerned, hum log ye achieve karenge. And NIM is concerned, for the next couple of quarters we will be in the same range as we have been, in the range of 5.55 5.52. thereafter it will start going up because of the change in the model or the mix of advances. If you see, the mix of advances will add up to the additional one. Already you can see in the last balance sheet of dekha hoga hamara 9 months accrual of the profit or revenue 33% increase hua tha profit mein PAT mein, whereas our growth was 20%. That means now we have achieved a state where profitability growth is higher than the balance sheet growth. This is a very important factor which will help you to try, understand that we are on a track for growth as well as a profitable growth. और अच्छा एक सॉरी मैं एक और सवाल आया दिमाग में, एक काफी बस चल रहा है कि RBL बैंक में फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है QIP के थ्रू, ऐसा है क्या? नहीं, हमारा एग्जिस्टिंग CRAR is sufficiently thing, it is 16.43 and you would have seen how efficiently we managed despite the growth, the sequential growth करने के बाद भी हमारा CRAR is somewhere in the range of 16.3 even after implementing the revised guidelines of Reserve Bank of India and the prudent efficiency management of the balance, we are able to manage our capital adequacy and in our own assessment there may not be any need to get on to that market immediately. जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए, और बहुत शानदार हिंदी है आपकी, और वो इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया।
थैंक्स, कोई मिस्टेक होगा तो माफ कर दीजिए। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, बहुत बहुत कोशिश आपने बहुत शानदार की और बाकी बहुत शानदार हिंदी बोली भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। चलिए तो ये बात हो गई आरबीएल बैंक की, अब बात करते हैं देश में रामोत्सव और स्टॉक के श्रीराम कनेक्शन की। सुमित के पास चलते हैं एज यूजुअल, जो हम एक कवरेज कर रहे हैं उसके लिए। सदी का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव सीएनबीसी आवाज में चल रहा है स्वागत महोत्सव। अयोध्या सज सज कर है तैयार, अब सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का है इंतजार। देश में रामोत्सव की धूम, शेयर बाजार में भी श्री राम की धुन। देखिए राम उत्सव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। जय सिया राम। देखिए इमेजेस फाइनली अब आपको राम मंदिर के हम दिखा रहे हैं। ये जो भव्य श्री राम मंदिर तैयार हुआ है, इसके कुछ इमेजेस आपको अब स्क्रीन पर दिखाई देंगी और बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। ये देखिए, चलिए सुमित के पास चलते हैं और जानते हैं आज का फिर वो स्टॉक कनेक्शन। सुमित जय सिया राम, बताइए कौन सा स्टॉक? जय सिया राम। देखिए सबसे पहले जिस तरह से इमेजेस आ रही हैं, ऑब्वियस ही बात है हम यहाँ से इतने एक्साइटेड हो रहे हैं देखकर, तो वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं उनका किस तरह का फ्लो होगा, आप इस फ्लो का ऐसे अंदाज़ा लगा लिए कि इस समय जो भी अयोध्या के होटल्स हैं उनकी बुकिंग के रेट्स मल्टीपल लेवल ऊपर जा चुके हैं। इनफैक्ट अगले 3 दिन के लिए जो ना केवल अयोध्या बल्कि आसपास के पूरे एरिया, इवन लखनऊ तक के जो रेट्स हैं वो करीब करीब 5 गुना तक ऊपर बढ़ चुके हैं, स्पेशली ताज जैसे ब्रांड के। तो आज इसलिए मैंने इंडियन होटल्स पे ही नज़र रखी है, जहाँ पर सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, इसका अयोध्या में एक्सपेंशन का प्लान तो है ही, प्लस ये आसपास के एरिया में भी बहुत स्ट्रांगली ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो दोनों ट्रिगर इसके लिए कामकाज कर रहे हैं। अयोध्या में 2 होटल खोलने के लिए करार किए हैं इन्होंने, जिसमें जिंजर होटल के ज़रिए भी या फिर ग्रीन फील्ड जो विवांता है, दोनों ब्रांड्स इनके वहाँ पर एक्सपेंड करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो ये दोनों ब्रांड्स के ज़रिए वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इन्होंने रिसेंटली 100 रूम का एक अपस्केल विवांता और 120 रुपये का लग्जरी जिंजर दोनों यहाँ पर खोलने की बातचीत की है 2027 तक। फेयर्स रिसेंटली बढ़े हैं, ये रहा विवांता का 100 कमरों का एक विवांता और 120 कमरों का जिंजर होटल खोलेंगे और 2027 से दोनों ही होटल्स खोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। हाल फिलहाल में जो टैरिफ्स हैं वो करीब 4 से 5 गुना बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं, क्योंकि अयोध्या में अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, तो इसलिए आसपास के सारे एरियाज भी अब अकोमोडेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1 महीने में करीब 17% के आसपास ये शेयर ऑलरेडी चल चुका है, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगे साइड पर पहुंच भी चुका है, 63 के आसपास के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन देश की लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, तो इसलिए एक बार को बाजार फिर भी ये मल्टीपल इसको देता है। टाटा ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी कुछ प्रेजेंस की अगर बात की जाए तो करीब करीब 10 से ज़्यादा देशों में रादारी प्रेजेंस है, 125 से ज़्यादा लोकेशंस में प्रेजेंस है, 280 से ज़्यादा होटल्स हैं, 540 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और 31,000 से ज़्यादा कमरे हैं, तो इस तरह की एक बड़ी प्रेजेंस है। अदरवाइज भी आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में बड़ी तेज़ी आई तो ज़रा ध्यान संभल के कॉल लीजिएगा, कोई निवेश की एडवाइस नहीं है, लेकिन हाँ ये एक और स्टॉक जिसके आप अदरवाइज हॉस्पिटैलिटी स्पेस से जोड़कर ज़रूर देख सकते हैं। सुमित शुक्रिया आपका एक बार फिर से बाजार का और इस राम मंदिर का जो एक सरोकार है उसको समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। निफ्टी उठापटक जारी है और 21,645 एक तेज डिप आया 610 तक, वहां से एक पुल बैक, बैंक निफ्टी करीब 45,845 के स्तर पर के ट्रेड करता हुआ। कुछ एक दो स्टॉक्स में मार्क कर देता हूं जो कि अच्छा कर रहे हैं, पैनल से बातचीत कर लेता हूं उस पर। एक बार आप इंडिगो लेके आएंगे, इंडिगो क्या कर रहा है इसको देखने की कोशिश करेंगे एक बार। 3,035 पे नो, इट्स स्टिल सिंकिंग। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिखाई गई, रचना जी जरा LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखेंगे। कुछ देर पहले मैं कैनफिन होम्स की बात कर रहा था, इट्स 580 LIC पे आपका टेक 581 थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है ये स्टॉक आज। रिट्रेस हुआ है लेकिन 578 के करीब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, अगर ये 578 को होल्ड कर गया तो यहाँ पे एक अपस्विंग जनरेट होने के चांसेस है, और एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप देखें तो निफ्टी भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, विच इंक्रीजेस द चांसेस ये स्टॉक भी 578 को होल्ड करेगा। ये फ्यूचर्स के लेवल की बात हो रही है, ऊपर वाली साइड पे अगर ये 578 होल्ड कर गया तो दोबारा से 585 एंड 589 की तरफ जाता हुआ फ्यूचर्स पे नजर आ सकता है। ओके चलिए, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब एक काम करते हैं, मार्केट का टेक्सचर कैसा लग रहा है और बजट से बाजार क्या चाहता है, किन सेक्टर्स पर दांव लगाना चाहिए, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल के MD एंड CEO सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं। सुनील जी गुड मॉर्निंग, और इस शनिवार को हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और म्यूचुअल फंड्स तो मैंने सुना है कि आज काम नहीं कर रहे हैं,
लेकिन आप फिर भी हमारे लिए आए तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। बताइए इस समय क्या आपको लग रहा है कि मार्केट का टेक्सचर है, क्योंकि बहुत पैसा बना है खासतौर से मिड और स्मॉल कैप्स में। देखिए मार्केट का टेक्सचर यही है कि एक बेटेड ब्रेथ से अर्निंग सीजन की अवेट कर रही है, थोड़ी तो कंसोलिडेशन फेस में समझूंगा रहेगी। क्योंकि क्या हुआ है कि दिसंबर में ना आपको जबरदस्त एफआईआई की खरीदारी देखी अपने 66,000 करोड़ के इनफ्लोज थे, तो सडनली आप देखें तो लार्ज कैप्स का भी एक कैचअप रैली हुआ था पूरे साल, तो मिड एंड स्मॉल कैप तो चल ही रही थी। तो अब क्या हो रहा है कि क्योंकि फेस्टिवल सीजन की नंबर्स की उम्मीद थी, मगर मार्केट में अभी जो अर्ली रिजल्ट्स आए हैं उतने अभी तक ठीक नहीं है, ओवरऑल थोड़ी नरमी है अर्निंग्स में। और इसी चीज के कारण मैं कहूंगा कि फॉरेन में थोड़े एफआईआईस प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जिन्होंने 6-7 महीने पहले आए थे, और दिसंबर में मैं मानता हूँ जो पैसा आया वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म पैसा था, क्योंकि ये खास करके इलेक्शन स्टेट इलेक्शन की रिजल्ट के कारण आप एक थोड़ी लॉन्ग टर्म निवेशक को एक पॉलिसी की डायरेक्शनली क्लैरिटी मिल गई थी, तो वो वाला पैसा जो साइडलाइन में था वो अंदर आया। मगर शॉर्ट टर्म हेज फंड वाले जो आए थे तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है प्रॉफिट बुक करने का, चाहे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और वेट एंड वॉच कर रहे हैं अर्निंग सीजन का। एट द सेम टाइम डोमेस्टिकली आप देखें तो 17,000 करोड़ का SIP बुक तो स्ट्रांग है, मगर उसमें मैं मानता हूँ कि करीबन 30% मिड एंड स्मॉल कैप में है और अनदर 30% मल्टी कैप में, विच में आधा भी मिड एंड स्मॉल कैप की खरीदा में ना यूज इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए मिडिल स्मॉल कैप ने थोड़ी एक बाइंग सपोर्ट कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक फंड मैनेजर से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सेबी के नियम है कि 65% स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप स्टॉक ही खरीदने हैं और सिमिलरली मिड कैप में 65%। तो जो पैसा आता है ना उसको मिडिल स्मॉल कैप ही खरीदना है, तो नेचुरली वहां पे एक बाइंग सपोर्ट मुझे दिख रही है। मगर ये अर्निंग सीजन के हिसाब से जो मे बी शायद 1-2 हफ्ते में शायद ज्यादातर अर्निंग्स आ जाएगी, तो एक क्लैरिटी मिलेगा कि कौन सी सेक्टर की नंबर्स फेस्टिवल, अभी फेस्टिवल सीजन में तो टॉप लाइन तो अच्छी दिखनी चाहिए, मगर क्या बहुत उनको दाम कट करने के लिए जरूरत पड़ी इन ऑर्डर टू बूस्ट सेल्स, तो मार्जिन पे क्या असर होगा वो एक चीज देखना पड़ेगा। सेकेंड वोट ऑन अकाउंट ही है, ये पूरा बजट नहीं है, फिर भी रिपोर्ट कार्ड तो पेश करेंगे और कितना फिस्कल डेफिसिट आएगा, कितना खर्चा किया है और अगले साल के बारे में थोड़ा बहुत एक डायरेक्शन दे सकते हैं, मगर एक स्ट्रांग कुछ डिसीजन तो नहीं ले सकते, इलेक्शन कमीशन तो अलाउ नहीं करेगी। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि अगले 3 महीने में गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा अपना टेंशन को कम करा के थोड़ा गवर्नमेंट की कंजम्पशन के ऊपर ध्यान देंगे, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा एक पैसा फैल जाए और एक माहौल अच्छा बन जाए। इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है, RBI भी उधर सपोर्ट करेगी, पर गवर्नमेंट भी कुछ फिस्कल मेजर्स ले रही है, जैसे टमाटो ऑनियन पोटेटोज का उन्होंने स्टॉक बढ़ा दिया और अभी रिटेल आउटलेट्स डायरेक्टली गवर्नमेंट सब बेचने वाली है, तो इनके ऊपर थोड़ा एक डिटेल आएगा। और इसीलिए फॉरेनर्स को थोड़ा कंसर्न है कि अगर कंजम्पशन में गवर्नमेंट का सोच हट रहा है तो क्या इंफ्रा पे थोड़ा कम होगा, वोट ऑन अकाउंट पे ही पता चलेगा ये। तो टिल दैट आप थोड़ा एक कंसोलिडेशन मार्केट देखेंगे। वैसे तो मुझे कोई कंसर्न्स नहीं दिख रही, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ अराउंड 6.5-7%, ब्रोकर्स का एस्टिमेट है 6.4 का, गवर्नमेंट का एस्टिमेट है 7.5 का, तो मेरे ख्याल में उसके बीच में आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अगर थोड़ा कंसोलिडेशन होगा शॉर्ट टर्म में। सुनील सर, ये अर्निंग सीजन जब स्टार्ट हुआ तो IT ने एक बहुत अच्छा मूव दिया, बाजार ने हाथों हाथ लिया इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज की, विप्रो की अर्निंग्स को, और HDFC बैंक की अर्निंग्स के बाद थोड़ा सा मूड बिगड़ गया। एज ऑफ नाउ इन दोनों में से क्या पिक कर रहे हैं आप, स्ट्रेंथ को पिक करना चाहेंगे यहाँ पे, या फिर जो HDFC बैंक के नंबर के बाद बैंक्स में वीकनेस आई है उसको पिक करना चाहेंगे, बेटर रिवॉर्ड क्या दे रही है आपको इस वक्त? बेटर रिवॉर्ड बैंक्स ही देंगे, क्योंकि देखिए 2-3 चीज उसके पीछे है। एक थोड़ा जो दबाव बैंक्स में आया है, मेरे को थोड़ा वो क्या कहूंगा मैं, ओवरडन है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द बैंक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, NPL लेवल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खास करके थोड़ा रिटेल लेंडिंग के ऊपर RBI ने जो कैपिटल एडिक्वेसी का नॉर्म्स लाए थे, तो इसके कारण थोड़ा एक प्रेशर, फिर NIM के ऊपर तो अर्ली लो कॉस्ट फंडिंग जो कोविड के टाइम में सब मिला था उनको, वो सब यूज हो गया, अभी फ्रेश डिपॉजिट थोड़ी महंगे आ रहे हैं, और कॉर्पोरेट लेंडिंग अभी पिकअप नहीं हो रहा है क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स अभी पिकअप नहीं हो रहा है, इसलिए बैंक्स में थोड़ी नरमी है। और खास करके वो स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें तो उसमें जो मर्जर हुआ है उसके कारण एक ग्रैंडफादरिंग जो
डिफरेंट रेगुलेटर्स ने दिया था उस होल्डिंग के लिए, तो वो भी स्लोली एंड में आएगा, तो एक एक कोई रखने का है ना, दोनों का वेटेज नहीं होगा, तो एक सेलिंग प्रेशर उसके कारण भी आ रही है। मेरा पिक वही होगा, क्योंकि आईटी में ना आपको देखना चाहिए कि क्या अभी वर्ल्ड की ग्रोथ वापसी में आई, तभी आईटी बहुत स्ट्रांग की ग्रोथ है। अभी तो क्या है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से ऑर्डर छीन रही है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट फॉर आईटी उतना ग्रो नहीं हो सकता है जब वर्ल्ड एक स्लो डाउन की मोड में है। तो मेरी पिक अभी भी बैंकिंग ही होगी इस स्थिति में, क्योंकि एक साल डेढ़ साल में प्राइवेट कैपेक्स अगर पिकअप हो जाता है तो बैंक्स के लिए लेंडिंग का ग्रोथ, लोन बुक का ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगा, और एट दैट टाइम निम्स भी आपको एक्सपेंड हो सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेट लेंडिंग में उतना प्रेशर नहीं होता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जितना रिटेल में मारामारी होती है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के कारण। अच्छा सर, पीएसयूज, अब आप किसी भी स्पेस में चले जाइए, आप रेलवेज को देखिए, आई मीन 25 रुपए का आरवीएनएल 3 साल में आज 315 का भाव लग गया। आप देखिए कोल, आप देखिए पावर, आप देखिए डिफेंस, आप देखिए ओएमसीज, एंड आई मीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कंपनियां दोनों चल रही हैं। अभी भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एरिया पीएसयूज में कौन सा है इस वक्त? मैं पीएसयूज में बैंक्स ही मेरे नंबर वन पिक होगी, और सेकंड थोड़ा बहुत मैं अपने रेलवेज और इंफ्रा की जो पीएसयू से डिफेंस उसमें थोड़ा बेटर मूव होगा। और ओएमसीज की बात देखें तो क्या है कि अभी ऑयल के दाम में एक फ्लैटनेस ही दिख रहा है, तो उनके जो रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो शायद और बढ़ नहीं सकते हैं। उनको क्या मिल रहा है कि आई थिंक के यूरोप को अल्टीमेटली रशियन ऑयल इंडिया के रिफाइनरीज के थ्रू यूरोप में जा रहा है, तो उधर उनको दाम अच्छा मिल रहा है, तो ये प्ले है, विंटर तक ये प्ले रहेगा। तो एक मीडियम टर्म में मेरे को एनर्जी में उतना पॉजिटिव नहीं हूँ, यानी सॉफ्ट एनर्जी, वर्ल्ड स्लोडाउन में है तो एनर्जी के दाम सॉफ्ट ही रहेंगे। तो मेरी पिक्स होगी पीएसयू बैंक्स विद इन पीएसयू फर्स्ट, और फिर सेकेंड थोड़ा इंफ्रा रिलेटेड पीएसयू। अच्छा सुनील सर, जिस प्रकार की क्वार्टरली अपडेट्स डाबर ने दिए, मेरिको ने दिया, और उसके बाद जिस प्रकार के नंबर्स आज डिसअपॉइंट कर रहा है एचयूएल, स्पेशली ऑन वॉल्यूम फ्रंट, रूरल में दिक्कतें हैं, रूरल वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है अभी, ये क्लियरली एविडेंट था क्वार्टरली अपडेट से भी। आपका व्यू सर एफएमसीजी में, क्योंकि अब दो चीज़ें हैं, आई मीन एफएमसीजी में एक बास्केट बहुत अच्छा कर रही है, लुक एट कोलगेट, देन नेस्ले, देन ब्रिटानिया, देन टाटा कंज्यूमर, एंड फ्यू स्टॉक्स लाइक आई बी नेचुरल। आप डावर को देखिए, आप मेरी को देखिए, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो आपका कन्विक्शन एरिया क्या है इस वक्त? देखिए मेरा कन्विक्शन अभी भी उनमें है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अभी रूरल में वेज ग्रोथ देखिए, सेम पीरियड अप्रैल टू दिसंबर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें, इस साल वेज ग्रोथ बहुत बढ़ गया है। एट द सेम टाइम नरेगा का भी डिमांड कम, दैट मींस एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल में आने वाले क्वार्टर में ये नंबर्स पिकअप हो जाएंगे। ये पिछले क्वार्टर के नंबर के बेस पर एक व्यू लेना गलत है, क्योंकि वो हो चुकी है। मगर जैसे मैं कह रहा था ना, गवर्नमेंट भी ज्यादा खर्चा उठाएगी, ऑपोजिशन पार्टीज भी खर्चा करेगी, और फिर अपना रूरल में अगर वेज ग्रोथ हो रहा है और कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स भी प्री कोविड पे पहुंच गया है, तो मैं इतना वरीड नहीं हूं कि ये वाला जो तिमाही आएगा उसमें नंबर्स अच्छे आएंगे। तो गाइडेंस में देखूंगा हर कंपनी क्या कह रही है गाइडेंस के बारे में, बट फिर भी मेरी कॉन्फिडेंस होगी कि ब्रॉड बेस बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन बढ़ेगा ही, और उसके साथ समर आने से ही आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स वहां पे भी बढ़ेगा। तो मेरे को ब्रॉड बेस एक कंजम्पशन एक अच्छा पिक लग रहा है इस माहौल में फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए। ओके, तो सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और स्पेशली जब आपको काम नहीं करना था फिर भी शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर, जितना भी बचा हुआ, बट इट्स नाउ इट्स एक्सटेंडेड वीकेंड अगेन ना, क्योंकि अब सोमवार की छुट्टी भी है सर। चलिए भाषता न्यूज आ चुकी है स्टूडियो में, और सुमित भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हर्षदा, जितना इस शनिवार ने कल शाम को घुमाया अभी भी घुमा रहा है, जरा एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए, निफ्टी का चार्ट देखिए, तो घूमना जारी है। जी हाँ वीरू, और आप एक्सटेंडेड वीकेंड की बात कर रहे थे, ये वीकेंड तो गया, एक्सटेंड नहीं होगा, उसके अगला वीकेंड एक्सटेंडेड वीकेंड है, वो 26 जनवरी वाला वीकेंड है। तो भगवान अगर कुछ लेता है तो छप्पर पहाड़ के देता भी है, तो फिर हम कायदे से फिर सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस काम करेंगे। चलिए अच्छी बात है, तो अगला हफ्ता एक छोटा हफ्ता रहेगा। शुरुआत ऑफ कोर्स करेंगे इस कार्यक्रम की, और सुमित और मैं आपका साथ देने वाले हैं एक घंटे के लिए, आपके सारे सवालों के जवाब आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन पहले हेडलाइंस।